कि आ अमर नहीं इस दुनिया में, और बड़ा कहता है कि आ आया है उसे जाना है। छोटा आ कहता है आ अमाने अमर, अमाने अमरूद नहीं हो सकता है, अमर भी हो सकता है, हो सकता है नहीं, तो छोटा आ कहता है आ अमर नहीं इस दुनिया में, और बड़ा कहता है कि आया है उसे तो दुनिया से जाना है, जाना है। छोटी ही क्या कहती है, इष्ट देव का ध्यान करो, इष्ट कहते हैं अपने परमात्मा का ध्यान करो, इष्ट देव का ध्यान करो, ईश्वर से मिल जाना है। छोटे आने कह दिया कि आ अमर नहीं इस दुनिया में, बड़ा कहता है कि आया है उसे जाना है। छोटी ही कहती है इष्ट देव का ध्यान करो, और बड़ी कहती है ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, ध्यान करने से दर्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, छोटा उ और बड़ा उ, छोटी ये और बड़ी ये, तो छोटा उ क्या कहता है, उस मालिक को याद करो, ऊधम नहीं मचाना है। उस मालिक को याद करो, उसका स्मरण करो, इसीलिए हम तुम यहां पर आए हैं, उस हरि का स्मरण करो, उस मालिक को याद करो। और बड़ा वो कहता है कि यहां ऊधम मचाने की जरूरत नहीं है, यहां भड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तब तक ये क्या कहती है, ये एक राम है दुनिया में, ये एक राम है दुनिया में, ऐसा भेद बखाना है। ये एक राम है दुनिया में, एक ही तो है परमात्मा, एक है, क्योंकि बड़ी ये कहती है कि ऐसा वेद और पुराणों में भी बताया गया है। और उसके बाद क्या आता है, छोटा ओ, छोटा ओ ही तो आता है, हम तो कम पढ़े लिखे बता दियो, छोटा ओ और बड़ा ओ, छोटी अंग और बड़ी अंग, यही तो आते हैं सब, क्यों मैटर नहीं हम जानते ना, बता दियो। तो छोटा ओ क्या कहता है, ओ ओम नाम का सुमिरन कर, ओ ओम नाम का सुमिरन कर, औरों को बतलाना है। क्यों, अंग अंग में राम है रमा हुआ, ओ ओम नाम का सुमिरन कर, और तू भी कर। और बड़ा वो कहता है कि औरों को भी बता। छोटी अंग कहती है अंग अंग में राम है रमा हुआ, घट घट मेरो साइया खाली घटना कोई, और बलिहारी बा घट की जागट प्रकट होए। तो अंग अंग में है, नहीं है, अंग अंग में समाहित है। तो छोटी अंग कहती है अंग अंग में राम है रमा हुआ, अंग अंग है कह कर जाना है। अंग में राम है रमा हुआ, और अंग अंग है कहकर जाना है। बच्चा पैदा होता है तो अंग है ही कहता है, ध्यान रखना, अंग है, और अंग है कहते कहते उसका पूरा जीवन निकल जाए, और मरे तो अंग है ही कह के मर जाए, चला जाता है। और उसके बाद क्या आता है, अंग है के बाद का और खा, तो का माने क्या होता है, कबूतर, का माने कबूतर नहीं होता है, खा माने खरगोश नहीं होता है, गामा ने गाय नहीं होती, गैया नहीं होती है, और घामा ने घड़ी नहीं होती है। का क्या कहता है, का ने इतनी अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी, का कह रहा है क्या, का करो भजन भगवान का, का करो भजन भगवान का, खा खाली हाथों जाना है। और गर्व करो
मत दुनिया में। कितनी अच्छी बात कही है। का कह रहा है कि करो भजन भगवान का, खा कहता है कि खाली हाथ चले जाओ यहाँ से, कुछ जाएगा परमात्मा का भजन कर लो भाई साथ जाएगा, नहीं तो खाली हाथ चले जाओगे। और गा कहता है कि गर्व करो मत दुनिया में, इस दुनिया में गर्व करने की जरूरत नहीं है, अभिमान करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। का गर्व करो मत दुनिया में, गा घर का नहीं ठिकाना है, गर्व करो मत दुनिया में, का घर का नहीं ठिकाना है। उसके बाद क्या आती है, अंगा खाली। अंगा खाली का मतलब समझ रहे, जो संसार में हमें दिखाई दे रहा है ये कुछ भी नहीं है, धोखा है सब, आंखों को धोखा है, सच्चाई नहीं है, दिखाई दे रहा है ये सब नाशवान है, बिल्कुल नाशवान है, खाली है। भैया अंगा खाली का मतलब संसार खाली है, कुछ नहीं है अपना, यहां कुछ नहीं है, सब खाली है। और उसके बाद अंगा खाली के बाद में क्या आता है, चा। चा के बाद में छा, छा के बाद में जा, और जा के बाद में झा। तो चा क्या कहता है, चा चतुराई को छोड़ मानव, चा चतुराई को छोड़ मानव, छा छतुरी के नीचे जाना है, चतुराई चतुराई जहां तो चल जाएगी कंसपुरा में, लेकिन भगवान के यहां जाओगे वहां चतुराई चलने वाली नहीं है, वहां चतुराई नहीं चलेगी, यहां तो चल जाएगी वहां नहीं चलेगी। लेकिन इसलिए जा जग में प्रेम करो हर से, जा जग में प्रेम करो हर से, जा जग सब कट जाना है, चतुराई को छोड़ मानव, छा छतुरी के नीचे जाना है, जा जग में प्रेम करो प्रभु से, जा झंझट सब सब झंझट ही कट जाए, अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो। उसके बाद क्या आता है, यहां खाली। तो यहां खाली का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया है, हैं? उसके बाद में आता है टा, टा के बाद में ठा, ठा के बाद में डा और ढा। तो टा क्या कहता है, टा ने तो बहुत अच्छी बात कही है, टा समझा रहा है, क्या कह रहा है, टा टीप टाप कर मत चलना, टा ठगियों से ठग जाना है, ज्यादा टीप टाप के चलोगे तो क्या होएगा, लुटेरे जगह जगह खड़े हैं, बढ़िया कपड़ा पहने हो है? और ज्यादा बढ़िया जेवरात पहने हो तो क्या होएगा, ठगोगे, ज्यादा बढ़िया लिप लिप लगाए चलोगे तो ठगोगे, ज्यादा बढ़िया श्रृंगार करके चलोगे तो ठगे धरे हो, नॉर्मल रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए टा समझा रहा है, टा टीप टाप कर मत चलना, टा ठगियों से ठग जाना है, टा डगर कठिन है भक्ति की, टा डगर कठिन है भक्ति की, ढा ढक्कन सब खुल जाना है, खुल जाना है। कहने का मतलब ये शब्द हमें बहुत कुछ बता